ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे यार, मतलब मैं यार सच में पागल हो गए थे कि इतने कमेंट क्यों आ रहे। और कमेंट आ रहे थे कि भाई 16 वॉट का क्रो, मतलब यू नो वो 35 वॉट का जो क्रोमा का स्पीकर है उसका रिव्यू दो रिव्यू दो रिव्यू दो रिव्यू दो। मैं बोला यार अब कमेंट आ रहे, अब भाई मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अब हो गया अब मैं बना ही देता हूँ। तो देखो सिर्फ आप लोगों के लिए ना ये 35 वॉट वाला मैंने स्पेशल यू नो मंगवाया है सिर्फ आपके लिए। अमेजोन से ऑर्डर किया, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही डिलीवर हुआ है। सो इसी पहले आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, और इस बार थोड़ा यू नो अच्छे से दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास आईफोन है। उस टाइम तो ना नॉर्मल फ़ोन था तो यू नो क्वालिटी मिली ना, आईफोन में तो क्वालिटी भी अच्छी आएगी 4K 60 में। देखो जो भी देख रहा है ना, देखो अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 4K 60 में देखना, थोड़ा नेट ज़्यादा आएगा लेकिन क्या है वाईफाई होगा कहीं से देख लेना, लेकिन देखना 4K 60 में। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते चलो यार, मन नहीं हो रहा है। मतलब ये काफ़ी बड़ा है, और इसका जो मैंने जो आपको पहले वाले जो 16 वॉट का उसका डब्बा, इसका हाफ है समझ लो, इसका हाफ है। ये वो इतना था, ये साला डबल है, काफ़ी बड़ा है। तो चलो अब जाओ अनबॉक्सिंग देख लो आप। ओके सो अनबॉक्सिंग का वीडियो भी चालू कर दे, और काफ़ी सही क्वालिटी भी आ रही होगी। अब हम आईफोन से शूट करें, देखो मैं ज़्यादा आईफोन लिंक क्या करूँ यार, क्योंकि पहले फ़ोन इतना अच्छा नहीं था तो ना क्वालिटी भी थोड़ी मेंटेन नहीं थी। तो यार ये एक चीज़ मिल गई, ये मेरे काम आएगा बिकॉज मेरे को एक लैपटॉप भी है ना मेरे ब्रदर को भेजना है बेंगलोर, तो ये मेरे को काम आ जाएगा। चलो पहले इसको खोलते, तो ये काफ़ी सही है, इसकी पैकेजिंग मेरे को काफ़ी सही लगी क्योंकि उस वाले में तो मैं डायरेक्ट यू ना वो क्रोमा स्टोर से लेके आया था। अब ये है तो अमेजोन वालों ने मस्त अच्छा सी पैकिंग करके दी है। खोलो खोलो इसको, ये मस्त है, ये जो एयर बबल्स है ना ये फोड़ने में बड़ी मज़ा आती है। मैं डायरेक्ट काम करते यहीं से निकलता हूँ, निकल पा रहा हूँ तो ओहो यहीं से ही निकल गया। और इसका बिल वगैरह लगता है ऊपर ही, अंदर बिल वगैरह लगता है दिया नहीं है क्या, आई थिंक अंदर वगैरह ही दिया होगा। ओके देखो कुछ ऐसी पैकेजिंग है, 35 वॉट का ये है स्पीकर बेसिकली, ये रहा क्रोमा 35 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर, ए टाटा प्रोडक्ट, वही जो पहले का जो स्लोगन है 12 मंथ वारंटी के साथ साइड में लिखा हुआ है। ब्लूटूथ 5.0 35 वॉट स्टीरियो आउटपुट कंट्रोल बटन कनेक्टिविटी USB फंक्शन वगैरह। सो ये कुछ देखो इन्फॉर्मेशन है, आप यू नो पॉज करके खुद देख लेना, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। बाकी सब लिखा हुआ है, जो इसकी प्राइस है वो भी बता देता हूँ। इसकी जो इसकी देखो ओरिजिनल प्राइस है, अभी ये 9,000 लिखी हुई ना, तो बेसिकली ये मैंने इसको परचेज किया वो किया है अराउंड 4,999 जो कि है 5,000 रुपये में। 2,500 mAh की बैटरी, प्ले टाइम 12.5 आवर, वही जो मेन चीज़ है मल्टी कलर LED सेम वही है। तो इसको यहाँ से अनबॉक्स कर दे पहले तो, और ये इधर को देखो सूरत का है लिखा हुआ है एड्रेस, बेसिकली मेरा नहीं है जो क्रोमा वालों का उनका ही है। तो यहाँ से इन्होंने एक और सील लगाई हुई है, पिछली वाली में भी लगाई हुई थी बट मैंने क्या है, हम तो भाई एक्सपर्ट है सील खोलने में। तो जो पहला जो आप झलक देखोगे वो ऐसी कुछ होगी, आपको मैं साइड बाय साइड यू नो एक अलग से कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा 16 वॉट का और अपने 35 वॉट वाला दोनों। ओके थोड़ा बड़ा है वैसे तो, और ये कैसी केबल दी यार, उसमें तो गोल वाली थी बेसिकली, इसमें ये चीज़ भी दी हुई है वो क्रोमा लिखा हुआ है। तो ये कुछ बड़े इसको साइड में रखते, और बॉक्स कंटेन में क्या है, इसका बिल इन लोगों ने दिया नहीं है, बिल तो देना चाहिए था और बिल दिया नहीं है, जो भी मेरे को सिर्फ एक ही बिल मिला है। और ये केबल है तो इसको खोल के कुछ मतलब तो है नहीं, ये ऑलरेडी मेरे पास 16 वॉट वाला है उसमें पड़ी हुई है। तो डिब्बे को तो रखते साइड में और इसका वो लिख दे, ये थोड़ा सा यूज है थोड़ा बड़ा है, देख लेते आप मेरे एक हाथ का, मतलब इतना कुछ बड़ा है ये। और ये इसमें दो साइड ही ना ये सब ऊपर मिल जाते हैं, वैसे रेडिएटर सब ऊपर, किसी ने मेरे को कमेंट में बताया था। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक तो ये पावर ऑन ऑफ बटन है प्लस माइनस, ये वो TFWS पेयरिंग, फिर ब्लूटूथ का है साइन, और यहाँ से मैं आपको पोर्ट भी दिखा देता हूँ इसके। सो आपको एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है और एक यू नो चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिलता है,
कोई माइक्रो एसडी वगैरह यू नो कुछ भी वो सब चीज़ें नहीं मिलती यू नो। सो अगर आपको चाहिए वो माइक्रो मतलब यू नो वो एसडी कार्ड वाला तो सॉरी आपको वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे क्रोमा की ब्रांडिंग वगैरह भी है, पीछे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी है, तो इसका मॉडल नंबर है यू नो, बाकी जो डिटेल है। तो इसको चालू करते हैं पहले। तो ओके, तो यहाँ पे जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो भी है, ये फिलहाल तो एक ही चार्जिंग पॉइंट इसमें है, मतलब तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो दोनों साइड लाइट हो रही है, मैं आपको लाइट तो ये दोनों साइड नहीं दिखा सकते, बिकॉज एक ही साइड दिखा पाऊंगा। और जो 16 वॉट वाला था उसमें तो एक ही मिल रहा था सब ऊपर। और इसको एक काम करते, ये तो अनबॉक्सिंग मैं आपको दूसरी क्लिप में दिखा देता हूँ, साउंड वगैरह टेस्ट। ओके, सो इसका आपने अनबॉक्सिंग तो देख ही लिया होगा। अब इस स्पीकर की मैं थोड़ी बात करूँ तो सच बता मेरे को हंसना आ रहा है, वो भी बताता हूँ। सो आपने जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जो कि था 16 वॉट का क्रोमा का स्पीकर, ये स्पीकर था जो कि था 16 वॉट का क्रोमा का। इसका वजन भी काफ़ी सही है, ये स्लाइटली थोड़ा हैवी होगा, नॉर्मली ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसका आउटपुट मैंने आपको बताया था कितना मेरे को सही लगा था, ना बहुत सही लगा था, जितना इसका आउटपुट था अच्छा था। और चलो इसके बाद ये तो बेस्ट थी अपने सेगमेंट में, मतलब ये आपको सेल में 2200 तक भी मतलब मिल जाता है, मतलब अभी 3000 का इसका प्राइस है लेकिन सेल वगैरह मिल जाता है। तो बात कर ले इसके 35 वॉट की, ये है ना मेरे को सच बताओ ना, ये मेरे को 20 वॉट का भी नहीं लगा, ये 35 की तो मैं क्या ही बात करूँ आपको। सच में ये बिल्कुल जितना इसका साउंड है ना 16 वॉट का, उतना का उतना साउंड इसका है, तो कोई मेरे को ज़्यादा मेजर फ़र्क लगा ही नहीं है भाई, लिटरली कोई मेरे को फ़र्क नहीं लगा। कि जैसे मैंने क्या सोचा था कि 16 वॉट का है तो अगर 35 वॉट का तो कितना ज़्यादा मतलब साउंड होगा, मतलब मेरे हिसाब से मेरा पूरा घर गूंजेगा, क्योंकि भाई 35 वॉट है मतलब 16 के कंपैरिजन में तो 35 वॉट ज़्यादा ही होता है, तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं है भाई। तो मैं आपको है ना सुना भी देता हूँ, मतलब ऐसा साइड बाई साइड अगर हो सके मैं कंपेयर भी कर दूंगा, उसका एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। तो इसका मैं वीडियो बना रहा, देखो इसका आप है ना साउंड आउटपुट सुनना। बेस की बात की जाए ना तो जैसे कि इसमें ना वो जैसे मेरे को किसी ने कमेंट किया था रेडिएटर सब वूफर शायद होता है, तो देखो मेरे को प्रॉपर पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जिसको मैं बेसिकली वूफर ही बोलता हूँ। तो जो इसके जो ये दो वूफर है छोड़ो मेरे को मतलब इसका 16 वॉट की कंपेरिजन में मेरे को जो ये सब बेस फील होना चाहिए, मतलब थोड़ा पा रही है उससे लिटिल, और मतलब जैसे मेरे को लगा कि ये मतलब आजू बाजू जो ये रिफ्लेक्टर दिए हुए काफ़ी मतलब है ना एक हल मतलब हैवी बेस बनना चाहिए, मतलब धमधम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, नॉर्मली खाली धमधम हो रहा है, मतलब थोड़ा हाथ में फील हो रहा है, ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा है। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ये, और 5000 में तो बिल्कुल ही रिकमेंड मैं नहीं करूँगा ये स्पीकर। आप कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है देखो ये 5000 के लायक बिल्कुल नहीं है, इससे अच्छा आप अगर खरीदना हो तो 16 वॉट का क्रोमा का ब्लूटूथ स्पीकर है, अच्छा है, 3000 का है, सेल में आपको सस्ता मिल जाएगा तो वो लेना, ये तो मत ही लेना, कुछ काम का नहीं लगा मेरे को, खाली साइज बड़ी है। इसमें कैसा होता है जो क्रोमा के जो स्पीकर्स है इसमें TWS पेयरिंग मोड होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्पीकर है और आप दूसरा स्पीकर भी अगर हो तो आप में उसमें मतलब एक फंक्शन रहता है TWS जिससे दोनों स्पीकर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं ताकि सराउंड साउंड के लिए, जैसे एक स्पीकर वहाँ हो एक स्पीकर वहाँ हो जैसे साइड वगैरह हो तो आपको एक सराउंड साउंड मिलता है, दोनों अगर एक दूसरे से कनेक्टेड फिर आपको वो एक डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ता है तो दोनों मतलब साथ में फिर बचते हैं। सो फिर इसका एक आपको चीज़ बताता हूँ, तो मैंने इन दोनों को ठीक है कनेक्ट किया हुआ है, ये क्रोमा का जो 16 वॉट का स्पीकर है और ये 35 वॉट का स्पीकर है, जो ये दोनों कनेक्ट हुए और मैंने इंडिविजुअली बताऊँ ना, सो जो 16 वॉट का स्पीकर है ना
वो और ये 35 का वॉट का जो आउटपुट वाला ये जो स्पीकर है क्रोमा का, दोनों का साउंड सेम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में मैं बता रहा हूँ, मैं अगर ऐसा होगा तो देखो, अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी वगैरह लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, 100 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो न्यू ईयर से, मतलब नए साल से पहले, तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, मतलब काफ़ी मतलब और वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी, मतलब वीडियो वगैरह आती रहेगी। सो देखो यहीं तक रखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए।